डियर स्टूडेंट्स स्वागत है आपका स्कॉलरशिप के एक नए वीडियो में और यहाँ पे आपको स्टेटस दिख रहा होगा दो बच्चों का स्टेटस है और स्टेटस को लेकर के काफी बड़ी खबर आई है डी डब्ल्यू द्वारा मैं बताना चाहूंगा आपको जिनका भी स्टेटस यहाँ पे अगर आप देखें कंप्लीटेड हुआ है तेईस दस दो को फिर से फाइनल सबमिशन कब हुआ है छब्बीस दस दो को स्टेटस एस एट इंस्टीट्यूशन लेवल पे फॉरवर्ड हुआ है बीस ग्यारह दो हजार इक्कीस को यानी कि इनका बीस तारीख को इगारहवें महीने में यानी कि नवंबर में ही दो हज़ार इक्कीस में फॉरवर्ड हो गया था और यहाँ देखिए अकाउंट वेरिफिकेशन स्टेटस वेरीफाइड बाई बैंक दिखा रहा है और वेरीफिकेशन बाई डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर वेरीफाइड रिकमेंडेड बाई डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी बारह तीन दो हज़ार बाईस बारह तीन दो हजार बाईस मतलब कल के डेट में इनका वेरीफाई हो गया है और मैं बताना चाहूँगा जिन बच्चों का अभी तक स्टेटस वेरीफाई नहीं हुआ है वो थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे और उनके लिए यहाँ से यहाँ मतलब प्रॉब्लम्स अब क्रिएट हो सकती है इसलिए कि अभी आपका कहीं पर जाएंगे अगर कहीं भी दौड़ धूप करेंगे तो आपके ना करेक्शन वगैरह हो रहे हैं ना सुधार वगैरह हो रहे हैं यहाँ पर अगर आप करेंट स्टेटस में देखें का वेरीफाइड रिकमेंडेड बाई डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी सबसे पहले हो सके आपने स्टेटस अपना चेक भी किया हो रोज आप चेक करते होंगे जिन बच्चों की स्कॉलरशिप नहीं आई है वो रोज़ अपना चेक करते होंगे अगर आपने कॉलेज में हार्ड कॉपी वगैरह जमा किया है करेक्शन कराया है बाद में जो आपका हो रहा था कॉलेज में तो आपका स्टेटस मान लीजिए कि अपडेट हो गया

ट्वेंटी यानी बीस तारीख तक बीस मार्च तक अगर उनका उनका स्टेटस सही नहीं हो पा रहा है जैसे कि आपका रोल नंबर नॉट मैच या फिर यू प्रॉब्लम हो गया बैंकिंग जैसे कि मान लीजिए कि आपका वो तो पैसा भेजेंगे अब बैंक में आपके नहीं आएगा ट्रांजेक्शन फेल हो जाएगा तो वो कितनी बार आखिर पैसा आपका भेजेंगे तो अगर बीस तारीख के पहले ये सारी प्रॉब्लम्स सा अगर सही नहीं हो जाते हैं तो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है और आपकी स्कॉलरशिप की राशि फंस सकती है मतलब चांस ये है कि सभी बच्चों का स्टेटस वेरीफाई हो रहा है हो जाएगा अगर आपने कराया होगा तो एक दूसरे बच्चे का यहां पर देखिए कंप्लीटेड हुआ इनका रजिस्ट्रेशन उनतीस दस दो हजार इक्कीस को और इनका कंप्लीट हुआ था तेईस दस दो को ठीक है इन्हीं के साथ ही का है लगभग समझिए कि और कम्प्लीट फाइनल सबमिशन हुआ है दो ग्यारह दो को फॉरवर्ड हुआ है इंस्टीट्यूट से तेरह ग्यारह दो को और यहाँ पर देखिए अकाउंट वेरिफिकेशन स्टेटस में वेरीफाइड बाई बैंक और देखिए यहाँ पे वेरीफिकेशन बाई डी डब्ब्ल्यू यानी डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर द्वारा वेरीफाइड रिकमेंडेड बाई डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी आठ तीन दो को एक अभी मैंने आपको दो तीन दिन पहले वीडियो दिया था जिस स्टूडेंट का पांच तारीख को वेरीफाई हुआ था इनका आठ को वेरीफाई हुआ है और इनका क्या हुआ है बारह यानी कि कल ही इनका वेरीफाई हुआ है इस तरीके से वेरीफाई हो गया है अगर इस तरीके से शो हो रहा होगा तो आपकी स्कॉलरशिप पच्चीस मार्च को ही तुरंत आपके खाते में चली जाएगी इसलिए कि ये सारी चीज़ें इनका डाटा वगैरह सारे प्रोसेस इनके सही है सारी चीजें सही है जिनका भी गलत है उनके लिए थोड़ी सी ये जो अपडेट है कि बीस तारीख के बाद अगर उनका अगर सही भी हो रहा है तो उनकी स्कॉलरशिप की राशि नहीं जा पाएगी तो उन, वो स्टूडेंट देखते रहेंगे अपना स्टेटस वगैरह कि सही हो पा रहा है या फिर नहीं अगर उनका मान लीजिए कि किसी कारणवश अगर उन्होंने सही नहीं कराया है या फिर सही नहीं हो रहा है चाहे वो स्टेट को लेकर जो भी प्रॉब्लम हो जैसे कि मान लीजिए कि कि कभी कभी क्या होता है कि काफी अलग अलग तरीके के यू बेनिफिशियरी क्रेडिट अकाउंट या फिर क्रेडिट लिमिट कम है इस तरीके से अगर कोई भी प्रॉब्लम हो आपका पैसा भेजा जा रहा है ट्रांजेक्शन फेल हो जा रहा है तो आप बार बार तो आपकी राशि भेजी नहीं जाएगी आपको मालूम है कि मार्च को आ गया अप्रैल में नया सीजन का एडमिशन भी स्टार्ट हो जाएगा और मई जून से फिर से नए साल की नए सत्र की स्कॉलरशिप की राशि की फॉर्म भरने मतलब भरनी स्टार्ट हो जाएगी तो आपकी स्कॉलरशिप की राशि तो इसके बाद भेजी देखिए जाएगी मार्च लास्ट तक जिन बच्चों की आनी होगी उनकी ही आएगी अप्रैल के शुरू में हफ्ते में आ सकती है उसके बाद अब अप्रैल के बाद से आपका नया सत्र का मई से लगभग आपके नए सत्र के स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा तो आप थोड़ा सा केयर करेंगे और जो भी अपडेट हो सके कि इस बीच अगर बीस तारीख के पहले या फिर पच्चीस के पहले कोई और अपडेट आ जाए कि जिनका भी डाटा स्कॉलरशिप का की राशि मतलब नहीं जा पाई है और जिनका डाटा गलत है उनको एक और मौका दिया जाएगा इस तरीके से फॉर्म आप कॉलेज में जमा करें या फिर डीडब्ल्यू ऑफिस में जाए मतलब विकास भवन में जाए समाज कल्याण ऑफिस से संपर्क करें यहां से तो आपका काम हो जाएगा तो वो अपडेट मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कराते रहूंगा इसलिए जो स्कॉलरशिप की राशि होती है वो काफी बड़ी अलग अलग कोर्सेज के लिए अलग अलग होती है किसी की दस हजार किसी की बीस हजार किसी की साठ ऐसे करके राशि होती है और ये काफी बड़ी राशि होती है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी आर्थिक स्थिति काफी कमजोर होती है इसलिए इसी के चलते उनका पूरा फीस वगैरह और काम वगैरह चलता है तो वो काफी बड़ी राशि मानी जाती है स्कॉलरशिप खास करके आर्थिक रूप से कमजोर स्टूडेंट्स के लिए तो जो भी अपडेट वगैरह आती रहेगी अगर आपका स्टेटस सही हो गया है तो बहुत अच्छी बात है बहुत खुशखबरी की बात है कि आपकी स्कॉलरशिप की राशि जो है पच्चीस मार्च के आसपास चली जाएगी अगर सही नहीं हुआ है तो आप हमें इंफॉर्मेशन देते रहेंगे जिस प्रकार से अगर कुछ अलग तरीके से शो रहा होगा तो और अभी अभी आपका समय है अभी आपका आज तेरह तारीख है बीस तारीख तक आप देखते रहिए बीस तारीख तक आपका स्टेटस अपडेट होते रहेगा कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है आपको यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं है और आशा करता हूँ कि सबका स्टेटस जल्दी से सही हो जाएगा और स्कॉलरशिप की राशि पच्चीस मार्च तक उनके खाते में आ जाएगी फिलहाल आज के लिए इतना ही धन्यवाद है वॉचिंग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में